सुबह जब यू की नींद खुली तब सॉन्ग वाला वहाँ पे नहीं था। यू जब नहा धो के नीचे आया तब सॉन्ग वाला और सामो ब्रेकफास्ट कर रहे थे। यू को देखकर जियो आंटी ने तुरंत ही यू जहाँ पे बैठता था वहाँ पे उसकी प्लेट लगा दी और कहा कि मुझे लगा आपको उठने में देर लगेगी। खाने में 7-8 तरह की डम्पलिंग्स थे, फ्रेश वेजिटेबल पॉरेज और कल यू ने जो मफिन्स बनाए थे वो थे। सॉन्ग वाला मजे से पॉरेज और मफिन खा रहा था। जैसे ही यू अपनी चेयर पे बैठा सॉन्ग वाला ने कहा कि तुमने ऑलरेडी खाना खा लिया है। पहले यू को लगा कि सॉन्ग वाला उसे कह रहा है लेकिन वो मोमो से कह रहा था। मोमो अगला मफिन लेने वाला था लेकिन सॉन्ग वाला ने मफिन वाला प्लेट उससे थोड़ा दूर ले लिया। मोमो कहता है कि लेकिन मैंने बस एक ही खाया है। सॉन्ग वाला ने अपने हाथ में जो मफिन था उसे फिनिश किया और एक और लेते हुए कहा कि बच्चे ज्यादा मफिन नहीं खाते। मोमो ने पूछा कि तो फिर आप क्यों खा रहे हो। सॉन्ग वाला ने थोड़ा सोचकर सीरियस टोन में नॉनसेंस बात कही कि क्योंकि मेरे दांत बहुत ही मजबूत है, मैं कैविटी से नहीं डरता। और उसने सॉन्ग मो को अपने दांत भी दिखाए। सच में सॉन्ग वाला के दांत व्हाइट एंड ब्राइट थे जो सच में स्ट्रॉन्ग दिख रहे थे। मोमो थोड़ी देर बस उसे देखता रहा। उसे कुछ भी समझ में नहीं आया कि अब उसे क्या कहना चाहिए। वो उदास होकर फिर से अपना पारेज खाने लगा। फिर ब्रेकफास्ट के बाद सॉन्ग वाला ने अपना मुंह वाइप किया और जाने के लिए रेडी हो गया। और उस दौरान ही उसने बताया कि कोर्ट में जो केस चल रहा है आज वो वहाँ पे जाने वाला है तो शायद वो रात तक भी वापस नहीं आ पाएगा। यू ने नोटिस किया कि आज सॉन्ग वाला ने बहुत ही फॉर्मल कपड़े पहने हैं, ब्लैक शर्ट, ब्लैक सूट और ब्लू टाई। उसके लंबे पैर और मस्कुलर कमर के साथ वो और भी ज्यादा टॉल लग रहा था। वो एक बिजनेसमैन जैसा नहीं दिख रहा था बल्कि वो एक सेक्सी मेल मॉडल जैसा दिख रहा था। और उसने सॉन्ग वाला की बात सुन के कहा कि हाँ मैं समझ गया। सॉन्ग वाला ने अपना एंटीबाइट मास्क पहना और वो जाने लगा। पर अचानक से वो वापस आया और यू के टेंपल पे किस किया, मतलब कि आंखों की साइड में वहाँ पे उसने जेंटली उसे किस किया। यू ने अपनी आंखें बंद की और तुरंत ही उसका फेस एकदम ही रेड हो गया। सॉन्ग वाला अब इतना जेंटल बन गया है ये यू के लिए बहुत ही नया नया है। वैसे तो सॉन्ग वाला ने ऑलरेडी यू के साथ सब कुछ कर लिया है और वो सब कुछ बहुत ही अग्रेसिवली और इंटेंसली किया था, लेकिन बस ये एक जेंटल किस उन सब के मुकाबले यू के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है। एंड ऑफ कोर्स कल जो हुआ था वो भी इतना बुरा नहीं था। कल मतलब कि सॉन्ग वाला ने उससे जो माफी मांगी थी वो। सॉन्ग वाला ने कहा कि अब मैं निकलता हूँ। उसने फिर से अपना एंटीबाइट मास्क पहना और वो बाहर चला गया। जहाँ पे सॉन्ग वाला ने किस किया था वहाँ पे यू टच करता है और जब तक सॉन्ग वाला चला नहीं गया तब तक वो उसकी ओर देखता रहा। वहाँ प्लेट में अभी एक मफिन पड़ा हुआ था तो उसने वो मोमो को दिया और धीमी आवाज में कहा कि डैड को पता मत चलने देना, अब जल्दी से इसे खा लो। ये सुन के मोमो बहुत ही खुश हो गया। अभी सॉन्ग वाला जिस केस की बात कर रहा है वो केस शिया शेंग ग्रुप जो सॉन्ग वाला चला रहा है वो कंपनी और रुआन फैमिली की कंपनी जिसका नाम है यान हुआ सेंचुरी, उन दो बड़ी कंपनी के बीच में ये केस चल रहा है और इस केस में सब लोग बहुत ही दिलचस्पी दिखा रहे हैं।